नमस्कार, देव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखा जाए, चुनाव महज 3 दिन शेष रह चुका है तो हर प्रत्याशी अपने अपने गांव के अंदर दावेदारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो हमने आप सभी को प्रधान प्रत्याशियों से भी बातचीत की, जिला पंचायत छत्र क्षेत्र सदस्य से भी बात की। अब हम बात कर रहे हैं, देखा जाए BDC पर प्रत्याशी हमारे बीच में करगुआ गाँव के अंदर हमारे बीच के अंदर लालता प्रसाद बरार जी, जो चुनावी मुद्दे में आ चुके हैं BDC पद हेतु। इनका बता दें, इनका चुनाव चिन्ह कड़ाई हमारे बीच में मौजूद भी है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार कौन से मुद्दे को लेकर ये करगुआ के अंदर BDC के पद पर तैनात हुए। हाँ लालता जी, बहुत बहुत बधाई, आप BDC के चुनाव मैदान में आ चुके हो। क्या देखा, क्या सोचा, क्या समझा आप मैदान में आए? मैंने ये सोचा कि हमारे गाँव में नालियाँ खराब पड़ी हुई हैं और सड़कें भी काफ़ी ख़राब हैं, तो मेरा मुद्दा उनका निराकरण करने के लिए है। गांव के अंदर कितना समर्थन मिल रहा है, आप जनसंपर्क करने जाते होगे तो? मैं गांव में डेली जाता हूं, तो मेरे अनुसार से का सारे लोग समर्थन करने के लिए तैयार हैं, पसंद करते हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए, आपने इस गांव के अंदर और कौन कौन सी समस्या से यहाँ के ग्रामीण वासी परेशान हैं? ये जैसे जल है, नल की व्यवस्था है वो भी ख़राब है, सड़कें हैं वो भी ख़राब हैं, नालियां हैं तो वो भी ख़राब हैं। इन सभी समस्याओं के लिए हमने अपने BDC के लिए तैयारी की है। अच्छा ये बताइए, अगर भगवान की कृपा से, अगर गांव वाले की कृपा हो गई, जीतने के बाद क्या काम कराओगे गांव के अंदर? सबसे पहले नालियां और सड़कें ये बनवाने काम। हाँ हाँ जी, लालता प्रसाद जी, गाँव के लिए क्या कहना चाहोगे, दो शब्द? गाँव के लिए भैया बहनों एवं नौजवान साथियों, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कड़ाई पर लालता प्रसाद बरार, उनका चुनाव चिन्ह कड़ाई पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। हमज्जा, कैसा चाहिए आपको BDC करगुआ के अंदर? BDC बढ़िया कार्यकाल करने वाला हो, समान और अन्य समान सभी लोगों को, सबको एक समान समझ के सारे हमारे गाँव के काम कराएँ। और हमारे जो लालता प्रसाद हैं, इनके पिताजी भी बड़े सज्जन हैं, ये भी बड़े सज्जन हैं, इनके अंदर कोई स्वार्थ का काम नहीं है, ये इसीलिए उतरे हैं। हम लोगों ने, समाज के लोगों ने, हम भी इसी समाज के हैं और भी छोटे बड़े सभी जातियों के लोगों ने इनको समान सहित हम लोगों ने स्वयं इनको स्वीकार किया है और इनको लड़ा रहे हैं। हाँ सर नमस्कार। हाँ। आप बताइए कैसा BDC प्रत्याशी? हमने जो है ऐसा BDC प्रत्याशी चुना है जो गांव का विकास कर सके, उसमें लालता प्रसाद जो है उसमें खड़े हैं। खड़े क्या है, इनकी विकास की बात करें, इन्हें क्या क्या काम कुछ पहले समाज सेवा की क्या नहीं? हाँ, समाज सेवा की है इन्होंने और जो है ये आगे भी समाज सेवा करेंगे, विश्वास है, मैं पूरा विश्वास। हाँ जी वैसा नमस्कार, करगुआ के अंदर कैसा BDC होना चाहिए? करगुआ के अंदर शिक्षित पढ़ा लिखा ईमानदार BDC होना है जो निष्पक्ष से गाँव का विकास करा सके और काम करा सके, जो भी उसके अंतर्गत अधिकार क्षेत्र में जो काम आते हैं वो उनको निष्पक्षता से करे। हमने देखा कि 5-6 लोग दावेदारी कर रहे हैं गाँव से BDC के लिए, सटीक चेहरा कौन है आपकी नज़र से? लालता बराज सबसे अच्छा है हमारी इंडस्ट्री में, उससे अच्छा कोई नहीं है। नमस्कार। हाँ भैया बधाई हो, आपके पिताजी चुनावी मैदान में आए, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है ग्राम करगुआ के अंदर? हेलो, सभी भाई बहनों को नमस्कार करते हैं। चुनाव देखने के लिए बहुत अच्छा मिल रहा है, जैसे कि गांव में जाते हैं तो सभी लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि आपके यहाँ, मतलब आपके शिक्षित परिवार से हैं काफ़ी लोग, तो इसकी वजह से सब लोग बहुत अच्छे से विनम्र निवेदन करते हैं कि जहाँ जाना सीटें आपको प्राप्त हों। गाँव वाले के दो शब्द हैं, भैया बहनों भूल ना जाना, कड़ाई चिन्ह निशान है कड़ाई चिन्ह, और भैया बहनों से निवेदन है कि भारी मतों से विजय बनाना है और 15 तारीख को जिताना है। साथियों ये थे लालता प्रसाद बरार जी, करगुआ से BDC प्रत्याशी पद हेतु। वास्तव के अंदर देखा जाए, देखने वाली बात है कि कड़ाई के अंदर कितने लोग ग्रामीणवासी पूरी सेंकने वाले हैं, कौन कौन आशीर्वाद हमारे लालता प्रसाद जी को देने वाले हैं, BDC अगर ये जीतने के बाद क्या क्या विकास कराएंगे गांव वाले खुद ही जान जाएंगे। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार, संपादक देव न्यूज़ 86।